पहले तो सबको अक्षय तृतीया और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने लगभग एक दो दिन से वीडियो नहीं डाली है, बट इट्स ओके, फिर हम आ गए एक बढ़िया से फैंटास्टिक वीडियो के साथ। और देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो आज हम लोग का किस टॉपिक पे वीडियो है मम्मी? टॉपिक बताओ वीडियो का। ईद में ईद का क्या मेकअप? हाँ, ईद का मेकअप। गेट रेडी विद अस है मम्मी। वैसे ज्यादातर तो मम्मी ही दिखेगी वीडियो में, तो शुरुआत से बताएंगी उनका आज का मेकअप एंड ड्रेसअप वगैरह। और हम सब रेडी होके जा रहे हैं कहीं पे, कोई जान पहचान के, तो हम लोग ईद सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तैयार होने तो मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो ओके स्टार्ट। सो मम्मी ने अपना मेकअप स्टार्ट किया है बेसिक से। ये पहले उन्होंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र जो कि मामा अर्थ का है, वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगी प्रोडक्ट। और ये मम्मी अब यूज़ कर रही हैं एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र, स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए, और एलोवेरा जेल ताकि थोड़ा सा बेस बन जाए। ऑफ कोर्स वी आर नॉट यूजिंग प्राइमर क्योंकि इतना कोई हाई मेकअप नहीं करने जा रहे, तो इट्स अ रेगुलर बेसिक मेकअप, तो हम प्राइमर के जगह पर एलोवेरा जेल लगा रहे हैं। सो अगर आपको एलोवेरा जेल जो हमने लगाया है उसके बारे में अच्छे से जानना है, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे, आप चेक कर सकते हैं। ये मॉइस्चराइज़र है जो मम्मी ने यूज़ किया था, फिर ये एलोवेरा जेल है जो यूज़ किया था उन्होंने। अब वो यूज़ कर रही हैं सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में स्किन बहुत ज़्यादा जल जाती है, तो मेकअप से पहले सनस्क्रीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अब वो लगा के अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से मिलाना भी जरूरी होता है। अब वो यूज़ कर रही हैं लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन जो कि एकदम फुल कवरेज नहीं है, ठीक है डेली वेयर के लिए, या फिर डेली वेयर तो कौन ही फाउंडेशन लगाता है, बट कभी कभार के लिए थोड़ा बहुत के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको एक पार्टी वार्टी में ना जाना हो, थोड़ा बहुत फेस्टिवल हो, तो उसके लिए ये फाउंडेशन बेटर है। और ये है कॉम्पैक्ट मैक का, तो मम्मी हमेशा से मैक का ही कॉम्पैक्ट लगाती हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, लाइट वेट होता है, तो आप भी ट्राई करिएगा। तो अब मम्मी यूज़ करने जा रही हैं आईब्रो किट आईब्रो बनाने के लिए। तो इसका एक्चुअली हमें कंपनी नहीं पता, हम ऐसे ही लेके आए थे, अच्छा लगा हमें, दैट्स वाई हम ले आए। तो कुछ लोग होंगे तो ऐसा बोलेंगे कि इतना ज़्यादा मेकअप करने की क्या जरूरत है, ये वो, तो दिस इज़ अ बेसिक मेकअप। और अगर आपको नहीं जानना है देन यू कैन स्किप, और जानना हो तो देखिए। ये है ऑफ कोर्स मस्कारा जो कि पलकों पे लगाते हैं, तब जादू हो जाता है और आंखें यूं चमकने लगती हैं। हाँ उधर देखो। तो अब गाल पे लगाया जा रहा है ब्लश जिससे गाल थोड़े से गुलाबी गुलाबी हो जाएं और एप्पल की तरह लगें। ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे लगता है, मैं तो लिपस्टिक से ही ऐसे लगा लेती हूँ, थोड़ा बहुत नोज़ के पास भी लगाएंगे तो अच्छा लगता है। आजकल मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ, मैं बेबी लिप्स लगा रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तुम यही तो मेरा मेकअप पूरा हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ ड्रेस लगाने। तो मैं रेडी हो गई ईद के लिए सलवार कुर्ते में। सो दिस इज हर ड्रेस। अच्छी लग रही है ना? मैं बहुत प्यारी लग रही है, है ना? सूट मतलब बहुत प्यारा सूट है, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। मनीषा रेडी हुई, मनीषा का ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है ना एकदम। हम लोगों ने ड्रेसअप भी ऐसे ही किया है, एक ही तरह लगभग। हाँ सेम सेम लग, अच्छा लग रहा है। हमने दोनों चिकन कढ़ाई के कुर्तियाँ। सो चलिए सबको अच्छे तृतीय की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ईद की भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे सेलिब्रेट करने जहाँ पे जाना है ईद। तो दोनों चीजों की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, सब लोग खुशियां बांटिए, ढेर सारी मिलजुल के हर एक चीज मनाइए। और तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय टाटा।